आपने कभी सुना है कि एक मरीज आईसीयू में और वो हंसे, एक मरीज आईसीयू में और वो हंसे, और वो जितना उसे खाने के तो वो अपनी उसके खाने से हिसाब से भी वो ज्यादा खा। सोचने वाली बात है, इसके कारण अटैक आया है, पानी ऐसे खत्म हो गया और इसी कारण आवाज चली गई। फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, आईसीयू में रखा है ना। हालेलुया। तो इस बहन का नाम चरणजीत कौर है और चिवल्ला गांव के रहने वाले हैं, और जो इनके साथ है इनका बेटा है। और इस बहन की गवाही जे बता रहे हैं कि दो हफ्ते पहले जिस सिस्टर जी बहन ने बताया कि रात के समय इनको बहुत ही भयानक सपना आया था, और सपने में जो बता रहे हैं कि इनको इनका जो गला किसी ने दबा लिया था और जिसके कारण इनकी आवाज़ जो थी बंद हो गई थी। पर जैसे ही सुबह जी उठे तो इन्होंने सपना सबको अपने घर में बताया। उस समय जी बिल्कुल अच्छे थे और जी फिर अपने घर के काम कार में लग गए। और शाम के समय जी बता रहे कि इनको घबराहट हो रही थी, तो इन्होंने अपनी फैमिली को बोला कि जी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और जैसे जी शाम के समय डॉक्टर के पास गए और जी मेडिसिन लेने के लिए गए, तो जैसे ही डॉक्टर ने इनका बीपी चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल था। और जी बता रहे कि वहाँ पर इन्होंने जी हंसना शुरू कर दिया, तो डॉक्टर ने इनको देखा तो डॉक्टर ने इनको कहा, क्योंकि जी अपने गांव में थे, तो डॉक्टर ने कहा कि जाओ आप अपने घर जाए और आप रेस्ट करें, आप बिल्कुल अच्छे हो। तो जैसे ही जी बहन अपने घर में आए तो जब इनकी फैमिली ने इनसे पूछा कि आप क्या हुआ है आपको, तो उस समय इनकी जो आवाज़ थी बिल्कुल बंद थी, इनका एकदम इनको इन्होंने कुछ भी नहीं आगे से बोला। तो इन्होंने काफ़ी इनकी फैमिली इनके बेटे ने इनको पूछा, पर कोई भी जी आगे से जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि इनकी जो गले की आवाज़ थी उस समय बंद हो गई थी। और जैसे फिर इनकी फैमिली काफ़ी परेशान हो गई, और जैसे इनकी फैमिली ने कहा कि हमें इनको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए कि जी प्रॉब्लम ऐसे कैसे हो गई है, तो जैसे फिर इनको हॉस्पिटल लेकर गए, इन्होंने इनको एडमिट करवाया गया। तो जब डॉक्टर ने इनका चेकअप किया, इनके टेस्ट किए, तो इनको टाइफाइड बुखार, और डॉक्टर ने कहा कि इनकी बॉडी का जो पानी है वो ख़त्म हो गया है, और जिसके कारण इनको अटैक आया है, और उसी के कारण इनके जो गले की आवाज़ वो बंद हो गई है, और इस प्रॉब्लम के कारण जो सारी प्रॉब्लम आई है। तो फिर इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर ने शुरू कर दिया और जो हॉस्पिटल में कुछ दिन रहे, तो फिर जो बता रहे हैं कि जैसे ही जो विश्वास करते थे कि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं और इनका बेटा भी इनके लिए चाहत में बने रहे, तो ये बता रहे हैं कि उस समय जब ब्रदर जी हॉस्पिटल में नहीं थे तो इनके फादर साहब वहाँ थे, और जैसे जो बहन के जो हस्बैंड थे तो उन्होंने हमारी जो मिनिस्ट्री की जो मीटिंग है उसको फ़ोन पर लगा दिया और जो सुन रहे थे, और जो मीटिंग को जैसे ध्यान से सुन रहे थे तो सुनते सुनते वर्शिप सॉन्ग शुरू हो गया, और जो वर्शिप सॉन्ग था वो ये सॉन्ग था कि ओदे ते शैतान दा नी जोर चलदा जिन्हों यीशु नाल प्यार हो गया। जैसे जो वर्शिप सॉन्ग शुरू हुआ तो उस समय इन पर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, और दुष्ट आत्मा बहुत ही अजीब जीव हरकतें कर रहा था, कभी हंसना शुरू कर देता, कभी नाचना शुरू कर देता था। और जैसे इनके हस्बैंड बहुत घबरा गए, बहुत परेशान हो गए, और फिर इनके हस्बैंड ने ऐसे इनकी फैमिली ने टीम के साथ जब बात की, कॉल की, तो जैसे टीम ने परमेश्वर के दास के साथ जब बात हुई तो परमेश्वर के दास, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी, तो परमेश्वर के दास को हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो जैसे ही इनके लिए हॉस्पिटल में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, जिस समय दुष्ट आत्मा बहुत ही अलग अलग हरकतें कर रहा था, हम उस समय की वीडियो को पहले स्क्रीन पर देखते हैं। कौन नजर आ रहे हो? हसला 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 हसला
चल बोल 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 हाँ बोलो की नाम की तरह और जैसे कि दुष्ट आत्मा बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था और जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेयर हुई तो परमेश्वर ने उससे आज़ाद किया। और फिर से सेकंड बार जब इनके लिए प्रेयर हुई क्योंकि इनके जो गले की आवाज़ थी वो बंद हो गई थी। अभी हम फिर से सेकंड प्रेयर को भी देखेंगे वीडियो को स्क्रीन पर। इसके अंगों से इसके दिमाग से शैतान का तुझे बाहर जो मैंने कहा निश्चित था अंधकार की शक्तियों का अंत कर चुका खुदा इस शैतान से इस दुष्ट की शक्ति से आजाद कर चुका और जैसे इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई और जो इनकी 3 दिन हो गए थी कि गले की आवाज बंद थी जो बिल्कुल बोल नहीं सकते थे इशारे कर रहे थे तो जो बता रहे हैं कि इस प्रभाव के कारण जिनकी आवाज बंद हो गई थी और उस समय जो बहुत ही जो भी कुछ इनको खाने के लिए देते थे खा भी बहुत ज़्यादा रहे थे। जब बताते हैं कि जैसे थोड़े समय बाद ही ये कुछ ना कुछ खाने के लिए भी मांगते जा रहे थे पर जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेयर हुई तो जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इनको बोला गया कि आमीन कहे तो उससे समय इन्होंने आमीन बोल दिया। तो जब बता रहे हैं कि जो कि 3 दिन हो गए थे इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी परमेश्वर की सामर्थ ने अपने दास के द्वारा इन्हें को छुआ और उस दिन से जो बता रहे कि फिर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया और जो बहुत कुछ खाए जा रहे थे और वो भी एक नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण था और पूरी तरह परमेश्वर ने फिर इस प्रभाव से इनको आजाद कर दिया। अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है परमेश्वर ने फिर से इनको इनके आवाज के साथ ब्लेस कर दिया और जितना भी नेगेटिविटी का प्रभाव था इनकी बॉडी में परमेश्वर ने उस प्रभाव से इनको आज आजाद कर दिया है। आज ये बहन पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से नेगेटिविटी से आजाद हो चुके। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते जोर से तारीफ करेंगे। हमें चंदे ने तूफान जदो ये तू बोलना। सुनो आपने कभी सुना है कि एक मरीज आईसीयू में और वो हंसे और वो जितना उसे खाने के दो अपनी उसके खाने से हिसाब से भी वो ज्यादा खाए सोचने वाली बात है कि नहीं। अब इनको माइक को नहीं इनको नो भाई साहब को उन्हें क्या पता क्या हुआ मेरे साथ। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। शुरुआत बताओ थोड़ी जब ये घर में थे पापा जी जब शुक्रवार को रात जो सुते ना सुपना आया हाँ जी इन्हों बहुत भयानक सुपना आया जैसे मतलब कि मैनू ना मतलब गले नू किसी ने फड़िया गले नू फड़िया शैतान ने पहले सबसे सपने में अटैक किया कि मेरे गले को पकड़ाया उसके बाद क्या हुआ बताओ आगे। फिर पापा जी इन्होंने सवेरे आने दसिया कि मैनू ना राती सुपना आया कि मतलब किसी चीज ने मेरा गला मतलब दबाया उसके आगे मुड़ के ठीक ठाक चले कि अपने काम करते मतलब कि वधिया तरीके ना रहे। शाम नू फिर जो दवाई लैन गए ना इन्हों एकदम पता नहीं की होया जिदा मतलब कि इन्हों लगा कि जिदा बीपी बढ़ गया मेरा बीपी बढ़ गया। ये डॉक्टर के पास गए ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया वो कहते कि ठीक हो उसे फिर हसन लग पे धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर ने जब बीपी चेक किया तो बीपी नॉर्मल आया उसने कहा ठीक है पर ये हंसने लगे वहाँ पे और धन्यवाद धन्यवाद कर लगे उन्होंने क्या कि तुसी घर चले जाओ। फिर कार सुनो एक चीज पॉइंट नोट करो जब ये डॉक्टर के पास गए तो इन्होंने सोचा मेरा कुछ थोड़ा लगा ना बॉडी में तो
बीपी चेक करें, बीपी नॉर्मल है और ये एकदम से हंसने लगे, तो शायद डॉक्टर ने अपने हिसाब से सोचा होगा कि शायद ये अपनी बुद्धि से ऐसे सोच रहे हैं कि मैं तो सोचती पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। हाँ, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो उसने सोचा ये इसलिए हंस रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप घर जाओ। क्या जाओ? ठीक है, आगे बताओ। जब घर आ गए, जब घर आए तो इन्होंने आई पूछा भी किया ठीक है, ये कोई नहीं इशारा करी जाने। अच्छा, जब घर आए तो तब जब डॉक्टर के पास गए तब ठीक थे, पर जब घर आए तो तब इशारा कर रहे थे। मतलब तब बोल नहीं सकते, बोल नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। तो पापा भी हाड़े रोंड है पे के मतलब की हो इन्हें क्या हो गया। हाँ, सुनो एकदम से, एक बंदा सही सलामत है, उसको रात को सपना आता है। क्या आता है रात को? उसको रात को सपना आता है, सुबह वो काम पर जाता है, फिर शाम को वो घर आता है और डॉक्टर के पास जाता है और अपने बीपी, उसे लगता है मुझे कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और डॉक्टर के पास गया, बीपी चेक किया, बीपी नॉर्मल आया, हंसने लगे, घर वापस आए और इशारे कर रहे अब आवाज चलेगी, और ये एकदम से इनके फादर साहब हैरान हो गए ये क्या हो गया। हाँ, आगे बताओ। आगे हमारे जितने भी परिवार है सारे मेंबर आ गए भी की हो गया इन्हों की बिल्कुल ठीक ठाक ही गए, और ये जेड़ा भी आवे कवावे भी की हाल है ये बिल्कुल ना कूना इशारा ही करन भी इशारा ही करते थे, क्योंकि शैतान ने इनकी आवाज को क्या कर दिया। असी भी परेशान हो गए कि एकदम हो गया। हाँ, तो फिर असी इन्हों हॉस्पिटल लेके चले गए संडे एतवार, घूमन के डॉक्टर ने इन्हों का टैस्ट किया, टैस्ट किए मतलब कि उन्होंने कहा कि 2.5 फीट बुखार है इन्हों की बॉडी के जिन्ना भी पानी वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसके कारण मतलब इन्हों अटैक आ गया, इसके कारण अटैक आया है, पानी ऐसे खत्म हो गया और इसी कारण आवाज चले गई, चला गई। फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, ICU में रखा। हाँ जी, है ना। फिर और ना संडे बोले, ना सोमवार, ना मंगलवार, ना बुधवार। बुधवार जो बाबा जी होनी गए उत्थे हॉस्पिटल विच, इन्होंने प्रार्थना की बाबा जी उन्होंने, फिर तीसरे दिन इनकी आवाज़ आई। सुनो सुनो, अब मैं बताता हूँ आपको। अब सुनो, मैं हमेशा आपको कहता हूँ मेडिकल साइंस बुरी नहीं है, वो तो अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो तो अपने हिसाब से डॉक्टरों ने जो उनके दिमाग में आया वो तो उस हिसाब से वो इलाज अपना इनका कर रहे थे, समझ आ रही है। पर हुआ क्या, क्योंकि इनके जो फादर साहब हैं वो इनके पास थे, तो उन्होंने सोचा चलो हमारी जो मिनिस्ट्री की संगति है तो उनने एक संगति को लगा दिया और वो सुन रहे थे और एक भजन शुरू हुआ, ओदे तेनी शैतान दा योर चलना जिन्हों यीशु नाल की हो गया प्यार हो गया। और जैसे वो सॉन्ग चल रहा था ये एकदम से अजीब सी हरकतें करने लगे, हंसने लगे, तो इनके जो हस्बैंड हैं इस बहन के वो एकदम से डर गए, इन्होंने कॉल की अपनी फैमिली को, फिर हमसे बात हुई ये क्या हो गया क्या हो गया, तब ये बहुत डरे हुए थे पता नहीं हाँ क्या हो गया। हाँ, तो जब मैं गया तो अभी आपने सब कुछ उस वीडियो में देखा, बोल क्या देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से शुक्र क्या किया है, इन्हें आजाद किया है। बोले क्या किया इन्हें? आजाद किया, आजाद किया। सबसे बड़ी बात, 3 दिनों के डॉक्टर तो अपनी ट्रीट वो अपना तो वो जो भी ट्रीटमेंट है उनका वो तो इलाज कर रहे थे, पर 3 दिन हो गए उनको इलाज करते पर अभी तक आवाज इनकी 3 दिन हो गए इशारों से बात करते थे। पर जैसे उस दिन जब परमेश्वर मुझे लेकर गए और मैं भवन में गया, भवन से है ना, ऐसे मैं शायद भवन से गया हूं उस दिन, तो जैसे मैं गया तो जैसे प्रेयर हुई आमीन बोला, इन्होंने भी बोला, उसी समय इनकी आवाज आ गई। क्या आ गई इनकी? उसी समय आवाज आ गई। क्या आ गई बोलो? उसी क्षण आवाज आ गई। अब बताओ आपका नाम क्या है, इनको माइक दो। चरणजीत। चरणजीत है, अब ठीक हो? माइक दे दो नहीं। ठीक है, जोर से हालेलुया लोगों को, हालेलुया, जोर से हालेलुया,
साबित है। हालेलुया। सब खड़े होकर अपने कानों में उस खुदावंद के आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।